सो हेलो गाइस, दिस इज़ देवेंद्र राठ। सो आज हम करने वाले हैं कमांडेंट हाउस का टूर कि एक आईपीएस ऑफिसर्स का कैसा बंगलो होता है, क्योंकि यूपी में बहुत अच्छे बंगलो मिलते हैं, घर मिलते हैं, और कहीं ना कहीं हर यूपीएससी एस्पिरेंट का सपना होता है कि वो उनको एक बड़ा घर मिले रहने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनका एक बड़ा मोटिवेशन होता है कि उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है, और इसीलिए वो लगातार प्रिपरेशन में मेहनत करते हैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनकर। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसा है कमांडेंट हाउस। और अभी हमारे साथ हैं फूलचंद अंकल जी, जो कि घर का पूरा या फिर बंगलो का टूर कराएंगे। मान सेना नायक आवास, ये करोटन का जो है ये फूल है लगा हुआ है इसके बगल में, उसके आगे जो है अंदर ये गुलाचीन का फूल है, और जो है उसके बगल में पपीते लगे हैं। पपीते कहाँ लगे? ये बगल में लगे हैं। अच्छा है, गाड़ियाँ आने जाने के लिए खुले हैं, एक बाएं खुलेगा एक दाहिने खुलेगा। ओके, और ये छोटे छोटे से छोटे छोटे हैज हैं। ओके, ये गोल्डन कलर का। ओके, ये कटहर के पेड़ है, ये महुआ का पेड़ है। तो फिर सब्जियां तो यहाँ पे आधी मिल ही जाती होंगी आपको? सब्जियां बहुत से बहुत हर प्रकार की सब्जियां यहाँ पर मिल रही हैं। ये आपको जो है वो चांदनी का पौधा, वो फूल है चांदनी। हाँ, चांदनी ये चमक रहा है वैसे, है ना, चांदनी का फूल है। हाँ, ये गुलाचीन है, देख लीजिए गुलाचीन। हाँ, और ये जो है सूरमुखी है, ये फूल खिलता है ज्यादा, गुलाब शुरू से ही लगा है। ये जो है बढ़िया जो है इसकी शोभा बराबर बनी रहती है। ये वो था गुलदावदी का फूल है, गुलदावदी का फूल है। ये मूंग फड़ी हुई है फली। हाँ, मूंग की दाल जो होती है, एक बार खा के भी देखूं क्या? हाँ, देख लीजिए इस साइड। नहीं, ये खाते थे ना पहले, बहुत अच्छे लगते थे। बहुत अच्छे। वो गन्ना लगा हुआ है बगल में, वो तो अभी चलो नया, अभी ज्यादा मतलब मोटा नहीं हो रखा है, खाने लायक ना। हाँ, ये जो है पाम का पेड़ है, पाम लगे हैं चारों तरफ। ओके, ओके। ग्राउंड, ये आपका जो है लान है बड़ा से, वो फुहारा लगा हुआ है बीच में। ये लौकी का पेड़ है, इसमें लौकियां फर रही हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि पक्षियों के चहचहाने की बहुत ज्यादा आवाज सुनाई दे रही है, आती है क्योंकि एरिया आउट है जो है अगल बगल, इसलिए पंछियाँ हर प्रकार के जो है यहाँ पर, मोर वगैरह आते हैं, और जो है कौवा वगैरह, और उसके अलावा जो है ये पंछी कई प्रकार के होते हैं, बुलबुल वगैरह होते हैं। गुलंबर है बढ़िया से, ये जो है दिन दुपारिया का फूल है, इसमें है जो हरा वाला लगा हुआ है ये चारों तरफ। बेंच वगैरह है, ओ एक और है चिनअप वगैरह करने के लिए, यहाँ पे बना रखा है शायद, ये चिनअप वगैरह आप कर सकते हो। ज़्यादा हो गया, चलो अब आगे चलते हैं। हाँ है, हाँ वो इसके, ये गुलाचीन का है, इसमें गुलाब और सफ़ेद आता है, रंग बिरंग होता है इसमें, जब लेता है फूल गुलाचीन का है ये। ये आंवला है, आंवला के पेड़ बहुत लगे हैं इधर, बट आंवला दिखे नहीं अभी, आंवला अभी छोटा सीजन है, बड़ा उधर है। हाँ, ये जो है नींबू दिख रहा है शायद, है ना? हाँ, नींबू और अमरूद, नींबू वगैरह, अमरूद और जामुन है, जामुन का तो सीजन चल रहा है अभी। हाँ, और ये क्या कहते हैं आपका, वो सहतूत का पेड़ है, वो सहतूत। हाँ, ये जो है आपका वो नींबू का है, ये तो पेड़ ग्राउंड है, और ये भी प्लान बनाया गया है, वहाँ पर मोर नाचता है, जो है शीशा लगा हुआ है, वो देखता है अपनी शक्ल को। हाँ, मोर तो वही नाचते हैं, मोर वगैरह। मोर बहुत सारे एक दूसरे को देखकर मारते नहीं? नहीं मारते नहीं है, आपस में जो है यहाँ पर जो है दिया जाता है दाना, और जो है ये पराठा वगैरह तो सब सुबह में खाते हैं पूरे, चिड़िया वगैरह जुट कर। इसमें ये पेड़ जो है आपका शीशम का है, और वो जो है ये तो काफ़ी पुराना पेड़ है शीशम का। ओ, सबसे इंटरेस्टिंग ये देखो अमरूद। ये सागौन का है, अमरूद का फल लिया है इसमें, मतलब इतना छोटा सा पेड़ है, देखो अमरूद कितने ज्यादा लगे हैं। ये पक रखे हैं कच्चे हैं अमरूद? नहीं, कच्चे भी हैं पक्के भी हैं, आप खा भी सकते हैं, ये पक्के हैं कुछ कच्चे हैं, भूल रहे हैं कुछ। ये मैं खाता हूँ यार, इसमें तो वो कहते हैं ना तोता चोंच मार गया है। उगाया जाता है, देख रेख हम करते हैं। अच्छा है, अब ये सब कटहर के हैं फल, बहुत अच्छी तरह हुआ है, आम भी फल लिए थे, अभी है कटहर में फल, देख लीजिए बड़े बड़े।
ये है चारों तरफ लगवाए हैं। आप कितने बार मना लेते हो फिर कटहर की सब्जी? कटहर की सब्जी हफ्ते में पसंद के ऊपर है। हाँ। कोई लोग पसंद करता है, कोई कहते हैं बादी है, तो मैं बहुत कम चॉइस कटहर खाता हूँ, बाकी और लोग खाते हैं। हफ्ते में एक बार था, वितरण किया गया था, सबको बांट दिया गया था। बेलपत्ता वहाँ पे अच्छा होता है ना गर्मियों के हिसाब से? बेलपत्ता गर्मी में बहुत घोर के पिया जाता है, उसको जो है पेट के फायदे बंद है। अरे ये टायर लुक के लिए लगा है, लुक के लिए टायर लगा हुआ है चारों तरफ। अच्छा, वो घर दिख रहा है एक छोटा सा? वो घर दिख रहा है छोटा से, वो बाहर प्राइवेट आदमी का है, क्योंकि हमारी बाउंड्री जो है इसके ये पेड़ पर, ये घर जो बना हुआ है, ये घर गिल्लू के रहने के लिए है, चिड़िया रहे, उनका घर बनाया गया है। ये है और भी है वहाँ पे भी है। हाँ, दो तीन जगह रखे हैं, ये यहाँ पर भी है, ये वो हरा हरा है। हाँ हाँ हरा, हाँ उसका ये सब चिड़िया गिल्लू इसी में अपना रहते हैं। इसमें तो बहुत ज्यादा कटहल लगे हैं, हरे कटहर हैं। अब फिर लास्ट में एक गाइस, किसी को खाना हो तो मैं ला सकता हूँ। हाँ, काफी ज्यादा लगे हैं। यहाँ देख सकते हैं ऊपर भी लगे हैं, यहाँ भी उसमें कटहल लगे हैं। अमरूद मैंने खा लिया, खत्म होने वाला है, देखो। अब हम चलते हैं सर के घर की तरफ। अभी तो हमने चारों तरफ से आपको एरिया दिखाया, एक और इंटरेस्टिंग चीज है ये। नमस्ते मैम। झूला लगा हुआ है झूलने के लिए, इसमें जो है अपना बड़ा घर है गिल्लू का, जिसमें गिल्लू को मक्का लगाया जाता है उसको। अभी हम इसका एक अच्छा सा वीडियो आपको दिखाएंगे जो सर ने पहले रिकॉर्ड कर रखा था। और ये भी गिल्लू का घर है, ऊपर कुछ इस तरीके से है। इस सर की गाड़ी है ऑफिस जाने के लिए, और कहीं जाना होता है। ये यहाँ पुदीना, यहाँ पर रुकंडान उगाया गया है। ये जो है आपको मनी प्लांट, मनी प्लांट्स। और ये है छोटे छोटे हाथी, ये हाथी हैं आपके जो है गणेश जी हैं, सब दोनों। ये घोड़े हैं यहाँ पर, ये तो छोटे बच्चा बैठ सकता है इस घोड़े पे। टुम टुम, वैसे थोड़ा सा डेकोरेटिव तरीके से बनाया गया। इसलिए ये गेट जो है बना हुआ है, बढ़िया है, इसमें देखो कड़े हैं। तो चलिए, अब फाइनली सर का एंट्री का द्वार आ चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से सर का एंट्रेंस है। यहाँ पर शायद सर की नेम प्लेट नहीं लगी है, बट इस तरीके से यहाँ बाहर आंगन दे रखा है। अब हम अंदर एंटर करते हैं। सो गाइस, अब हम अंदर एंट्री करते हैं। सो ये सर ने लिविंग एरिया बना रखा है, जहाँ पर आप देख पा रहे हो एक बड़ा सा सोफ़ा सेट लगा रखा है, क्योंकि डेफिनेटली सर के गेस्ट वगैरह आते होंगे कभी कभी, तो वो पर्सनल जो गेस्ट हैं उनसे मिलते होंगे। और यहाँ पर सर ने एक LCD लगा रखी है साथ में। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है कि ये जो घर का वो है ना, डेकोरेशन वगैरह पर्सनल चीज़ें, तो ये सर ने खुद से कस्टमाइज करी है मैम के साथ मिलकर। मैम को पर्सनली काफ़ी इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, और मुझे भी है डेकोरेशन वगैरह में। आपने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा होगा पुराने रूम का, तो उसमें। और इस तरीके से हम ये किचन एरिया साइड आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये किचन है, बगल पे डाइनिंग टेबल है, और जहाँ पर हमने कल डिनर भी किया था शाम में। साथ में आप ये देख पा रहे होंगे एक खूबसूरत सा मंदिर है, अभी मैम वहाँ पर पूजा वगैरह भी कर रही हैं। ये बेडरूम्स हैं जहाँ पे कर्टन्स आपको देख रहे हैं, प्राइवेसी की वजह से हम ज़्यादा अंदर तक नहीं दिखा सकते हैं, बट हाँ आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि घर कैसे डिज़ाइन होता है सर के रहने का। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, सर का एक है कैंप का एक मतलब ऑफिस भी है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, क्योंकि सर को कभी कभी घर से काम करना पड़ जाता है तो सर यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे सर ने प्रिंटर भी रख रखा है और कंप्यूटर वगैरह भी है। अंदर आके दिखाओ, और ये सर की फ़ोटोज़ लगी है, सब प्रेम भेंट लिखा है, शायद सर को किसी ने गिफ्ट की थी जब सर कुशीनगर में थे। दैन यहाँ पर भी है सब प्रेम भेंट, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की बुक्स वगैरह, वो फाइल्स वगैरह है सॉरी। तो इस तरीके से एक छोटा सा ऑफिस भी यहाँ पे